वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी उस महान शख्सियत बारे गलबात करांगे जिहड़े सानू अज सदीवी विछोड़ा दे गए हन। मेरी मुराद सरदार मिलखा सिंह। सरदार मिलखा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 नूं पाकिस्तान विखे होया, जो कि उडाणा सिख, फलाइंग सिख करके भी जाने जाते सन। एक भारतीय दौड़ाक हन जिन्होंने 1960 समर ओलंपिक विच रोम विखे अते 1964 समर ओलंपिक विच टोक्यो विखे भारत की नुमाइंदगी की। 2010 तक जदों कृष्णा पुनिया ने डिस्कस विच कामनवैल्थ खेडां विच भारत नूं सोने का तगमा दिवाया सी, ओह भारत दे एक अजिहे इकले अथलीट सन जिन्होंने भारत नूं अथलैटिक विच व्यक्तिगत सोने का तगमा दिवाया। मिलखा सिंह नूं खेडां विच उन्हां दी प्राप्तियां करके भारत का चौथा सब तो उच्चा नागरिक अवार्ड पद्म श्री नाल नवाजा गया। यह गोल्फ खिडारी जीव मिलखा सिंह के पिता सन। 1960 के ओलंपिक खेडा की 400 मीटर दौड़ जिस विच मिलखा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया। मिलखा सिंह के यादगारी दौड़ा विचों यह दौड़ एक सी। पहले 200 मीटर मिलखा सिंह सब तो अगे सी, पर आखिरी 200 मीटर विच बाकी प्रतियोगी उन्हां तो अगे लंघ गए। उस दौड़ विच बहुत रिकॉर्ड टुटे जिस विच अमरीकी अथलीट जर्मन अथलीट तो 1 सैकेंड के सोमे हिस्से के समय विच नाल जेतू रहा। मिलखा सिंह उस दौड़ विच 45.73 के समय नाल चौथे नंबर ते रहे सन, जो कि 41 साल तक नैशनल रिकॉर्ड रहा। राकेश मेहरा ने मिलखा सिंह की जिंदगी की कहानी बयान कर दी एक बॉलीवुड फिल्म भाग मिलखा भाग विच बनाई। जेकर उन्होंने परिवार की गल करिए, मिलखा सिंह जदों चंडीगढ़ रेंदे सन ओह 1955 सलोन विखे निर्मल कौर नूं मिले, जो कि भारतीय वॉलीबॉल टीम औरतों की सबका कप्तान सन। उन्होंने 1962 विच विआह करवा लिया। उन्होंने 3 बेटियां ते 1 बेटा जीव मिलखा सिंह है। 1999 विच उन्होंने टाइगर दी हिल दी लड़ाई विच शहीद होए हवलदार बिक्रम सिंह दे 7 साल दे बेटे नूं भी गोद लै लिया। जेकर गल करे उन्हां दी अंतरराष्ट्रीय प्राप्तियां दी, 1956 दे मेलबोर्न ओलंपिक खेडां विच मिलखा सिंह ने भारत नूं 200 तों 400 मीटर प्रतियोगिता विच नुमाइंदगी की। 1958 विच मिलखा सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय खेडां जो कि कटक विच होईयां सन विच 200 अते 400 मीटर की दौड़ विच रिकॉर्ड स्थापित किए। इस फॉर्मेट विच ACI खेडां सोने का तगमा जितया। इसे साल मिलखा सिंह ने ब्रिटिश एम्पायर अते कॉमनवैल्थ खेडां विच 400 मीटर अते 440 जास्ट उस टाइम दौड़ विच 40.6 सैकेंड के समय विच सोने का तगमा जितया। इस प्राप्ति करके ही मिलखा सिंह नूं आजाद भारत के पहले सोन तगमा जेतू खिडारी बने। मिलखा सिंह तो बाद विकास गोडा दे 2014 विच सोन तगमा जितन तो पहला ओह एकमात्र अजिहे खिडारी सन जिन्होंने भारत नूं कॉमनवैल्थ खेडां विच व्यक्तिगत तौर ते सोन तगमा जिताया। 1962 दियां एशियाई खेडां जो कि जकार्ता विच होईयां सन, मिलखा सिंह ने 400 मीटर ते 4x400 मीटर की रेलिंग विच सोन तगमा जितया। मिलखा सिंह ने 1964 विच ओलंपिक खेडां टोक्यो विच भी भाग लिया जिस विच ओह 400 मीटर दियां 4x400 मीटर रेलिंग दौड़ां जित के दाखल होए सन। मिलखा सिंह ने किसी भी प्रतियोगिता विच भाग नहीं लिया। भारतीय टीम जिस दे मैंबर मिलखा सिंह, अजमेर सिंह, मक्खण सिंह, अमृतपाल सन 4x400 मीटर रेलिंग विच चौथे नंबर ते आके प्रतियोगिता चो बाहर हो गई। मिलखा सिंह ने 80 दौड़ां दौड़ियां जिस विचों उन्होंने 77 दौड़ां जित प्राप्त की, पर यह तथ्य गलत हैं। मिलखा सिंह ने किन्नियां दौड़ां दौड़ियां ते किन्नियां जितियां यह कुछ भी स्पष्ट नहीं है। 1964 विच राष्ट्रीय खेडां कलकत्ता विच मक्खन सिंह ने मिलखा सिंह नूं पछाड़ दिता। यह सन सरदार मिलखा सिंह जी जिन्हां दे जीवन उत्ते असी एक छोटी जी चात पाई है। असी इन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करदे हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।